नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में मूव करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सिमिलरिटी बिटवीन द ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरिटी बिटवीन द ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस वही होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द एग इन द ओवरीज एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सिमिलरिटीज होते हैं अल्टीमेटली प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स थ्रू द मियोसिस एंड अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड सेल्स। ओजेनेसिस की बात करते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा। ओजेनेसिस में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट जर्मिनल सेल्स अंडरगो द माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस टू डिप्लॉयड ओगोनिया 2N एंड ग्रोज अ लार्जर स्टॉप एट द प्रोफेज। प्रोफेज के किस स्टेप पे स्टॉप होता है बताया जा चुका है। प्रोफेज के किस स्टेप पे ये स्टॉप होता है आपको बताया गया था कि किस फेज पे होता है, कोई बताएगा मुझे? डिप्लोटीन, चलो याद तो है, डिप्लोटीन पे होता है जिसपे की ओसाइट स्टॉप हो जाता है। और पवर्टी, यहीं पे स्टॉप हो जाता है ओगोनिया। ओगोनिया जो होता है अब पवर्टी पे, जब पवर्टी ये जाता है 12 साल 14 साल जो भी एक एज होती है पवर्टी की, वहां पे अंडरगो करता है माइटोसिस टू प्रोड्यूस टू डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट एंड बिकम्स द कंटेनिंग प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट जो कि सेकेंडरी ओसाइट बनाता है एन के फॉर्म में एंड अ पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाता है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिवीजन एंड सेकेंडरी ओसाइट्स कंटिन्यूज इनटू द मियोसिस सेकंड। अब ये स्टॉप कर देता है प्रोफेज सेकंड पे। अब ये प्रोफेज सेकंड पे स्टॉप हो गया। प्रोफेज सेकंड पे स्टॉप होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस सेकंड इन द सेकेंडरी फॉलिकल्स फ्रॉम द ओवम एंड द पोलर बॉडी। पोलर बॉडी अगेन डीजनरेट्स एंड ओवम रिमेन्स इनसाइड द मैच्योर फॉलिकल। ओवम इज ओवुलेटेड एंड फॉलिकल्स फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। ओवम जो होता है वो आपका ओवुलेटेड हो जाता है और फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेता है विच प्रोड्यूसेस द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेवलप्स ड्यूरिंग द यूट्रस लाइनिंग एंड द डी जनरेट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओगोनिया था, ओगोनिया प्रोफेज फर्स्ट पे स्टॉप था, फिर ओगोनिया से ओगोनियम डिवाइड करता है प्राइमरी ओसाइट पे, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट पे बनता है मियोसिस फर्स्ट से। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल ओवम बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। पोलर बॉडी दोनों को इसमें डीजनरेट हो जाता है और सेकेंडरी ओसाइट पहले मियोसिस के बाद बनता है, पहले मियोसिस के बाद आपका सेकेंडरी ओसाइट बनता है और दूसरे मियोसिस के बाद आपका ओवम बनता है। ओवम रिलीज होता है, जो फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। नाउ अगर मैं बात करता हूं आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का आउटर लेयर जो होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल होता है। क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल अंडरगोज द माइटोसिस टू डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोज लार्जर इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस फर्स्ट से जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर मियोसिस सेकंड के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड जो होता है वो सर्टोली सेल से मिलके क्या बनाता है? स्पर्मेटोजुआ, जिसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्मेटोजुआ डिटैच करता है सर्टोली सेल से और मूव करना शुरू कर देता है। देखना डायग्राम में, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, दिस इज व्हाट द स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटोजुआ बना है और उसके बाद बीच में स्पर्मेटिड बना था। स्पर्मेटिड यहां से स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हुआ है। वहां ओगोनियम था प्राइमरी ओसाइट, फिर सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी डीजनरेट हो गया, फिर सेकेंडरी ओसाइट ओटिड या कहते हैं कि ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी ये भी डीजनरेट हो जाएगा, ये रहा ओवम। ठीक है, ओवम रिलीज होने के बाद फिर कार्पस ल्यूटियम फॉलिकल बना देता है। दिस इज व्हाट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस। जो फॉर्म चलता है वो आपका 2N चलता है, 2N4C का कॉन्सेप्ट चलता है आपका इनके स्पर्मेटोगोनियम या ओगोनियम में। उसके नीचे जाएंगे अभी भी 4C और 2N का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आता है ये आता है 2C एंड N का कॉन्सेप्ट आ जाता है। 2C एंड N यहाँ पे क्रोमोजोम हाफ होता है, लेकिन उसके बाद जब सेकेंडरी होता है तो यहाँ पे C और N आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ DNA कॉन्सेंट्रेशन होता है। 4C इज द DNA कॉन्सेंट्रेशन एंड 2N इज द क्रोमोजोम। मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस टू इज अ इक्विटोरियल डिवीजन। इज इट क्लियर? चलो होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कल के क्लास में। कल हम पूरा का पूरा फिजियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, कुछ पार्ट्स जो बचे हुए हैं सर्कुलेटरी और आपके नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंड उसके बाद हम थर्ड क्लास में जो देखेंगे वो डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे और
फोर्थ क्लास में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। बाकी बायोकेमिस्ट्री रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि पीवाईक्यूज में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी, समझ में आया आज की क्लास? समझ में आया आज की क्लास के कहां क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था? चलो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ओवरी का यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि एक फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका फॉलिकुलर सेल्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, ऊ साइड से ओवरी के डायग्राम देखोगे ये आपका ऊ साइड से प्राइमरी फॉलिकल्स है एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स है। ये फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स और बड़े होते होते उनके बीच में ऊ साइड्स आ जाता है जहां पे फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात करें तो दीज आर द स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटिड में ये फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे सर्टोली सेल्स कुछ पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है जी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, कौन बताएगा? सर्टोली सेल का जो फंक्शन होता है व्हाट इज दैट? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, नरिशमेंट करता है, किसको नरिश करता है? ये नरिश करता है किसको? नरिश करता है स्पर्म को। ठीक है, चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं कि कुछ स्पर्म और एग के स्ट्रक्चर के बारे में देखो। स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? स्पर्म जो होता है वो एग के स्ट्रक्चर में, जो एग का स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे बाहर एग में क्या है? फॉलिकल सेल्स होते हैं, फिर जेली कोट पाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे। ठीक है, दैट इज व्हाट द, यहाँ पे क्या है? जेली कोट पाया जा रहा है। जेली कोट जो होता है इस फॉर्म में रहता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आपका मेम्ब्रेन्स पाया जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर आपका क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद न्यूक्लियस है बीच में, ये आपका क्या है? ये न्यूक्लियस के फॉर्म में पाया जा रहा है। फिर उसके बीच में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, फिर वहां पे आप पोलर बॉडी पाया जाता है, दैट इज व्हाट द पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं यहाँ पे, लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेड, मिड पीस, टेल, ये आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हम जब बात करेंगे तो एक्रोसोम पाया जा रहा है, एक्रोसोम यहाँ पे पाया जा रहा है। एक्रोसोम के बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे मेम्ब्रेन है जो आपका ये मेम्ब्रेन वाला सेक्शन है। उसके बाद फ्लैजलम पाया जा रहा है, ये आपका फ्लैजलम है, और जो टेल लेंथ है जिसका लेंथ जो होता है वो 10 नैनोमीटर के पार्ट में होता है, 10 नैनोमीटर के पार्ट में होता है, जो लेंथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, सो आपके कुछ ये चीजें आप देख रहे होंगे कि फ्लैजलम, एक्रोसोम जो होता है वो टिप पे पाया जा रहा है, एक्रोसोम जो है वो टिप पे पाया जा रहा है, और फॉलिकल सेल्स, जेली कोट, ये स्ट्रक्चर जो इस पार्ट में हो गए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, डिफरेंस क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में? दैट ईच माइटोटिक डिवीजन वन फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनाता है, एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जबकि ईच मियोटिक डिवीजन सेल्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस 4 हैप्लॉइड फंक्शनल सेल बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड फंक्शनल सेल बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो इंक्रीज होता है, पोलर बॉडी का वॉल्यूम भी ले लेते हैं, अगर हम टेक इन द वॉल्यूम फ्रॉम द पोलर बॉडी इंक्रीज होता है, एंड कंटिन्यूस अंटिल मेनोपॉज, मेनोपॉज तक चलता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, और आफ्टर प्यूबर्टी, एंड ओनली फ्यू हंड्रेड एग्स आर प्रोड्यूस, ओनली फ्यू हंड्रेड एग्स आर प्रोड्यूस। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म डिक्रीज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में अंटिल डेथ, ये डेथ तक चलता रहता है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं जी। That is what the preventing polyspermy during the fertilization. Polyspermy के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Polyspermy के बारे में बात करेंगे कि polyspermy क्या होता है? Polyspermy का नाम सुना हुआ है? कि एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है? उसके लिए क्या होता है? उसके लिए देखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे।
एक्रोसोम रिएक्शन से, ठीक है, स्लो ब्लॉक होता है, दैट इज व्हाट एक्रोसोम रिएक्शन होता है। सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है कि स्पर्म बाइंड टू द जेली कोट, जेली कोट से बाइंड करता है, रिलीज करता है एंजाइम, रिलीजेस द एंजाइम, फॉर्म्स द एक्रोसोम, डाइजेस्ट, इसके बाद क्या होता है, इट डाइजेस्ट द जेली कोट, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा जेली कोट को, फिर पेनेट्रेशन होगा, पेनेट्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जब प्रोटीन ऑन द टिप ऑफ स्पर्म बाइंड टू द एग मेम्ब्रेन फ्यूजेस टूगेदर एंड द रिलीजेस स्पर्म न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई को रिलीज किया, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, द एग इज एक्टिवेटेड एंड रिलीज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दैट फॉर्म्स द एक्सोसाइटोसिस कंटेनिंग एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द बाइंडिंग प्रोटीन एंड हार्डन द जेली कोट। दिस बाइंडिंग प्रोटीन से स्पर्म बाइंड करता है, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा और जेली कोट को क्या करेगा, हार्डन कर देगा। इज इट क्लियर? ना, उसके बाद आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है जी? इंटरनल का मतलब है कॉमन इन द टेरिस्ट्रियल एनिमल, टेरिस्ट्रियल एनिमल पे पाया जाता है। ये क्या करता है कि एश्योर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को एश्योर करता है, एंड एम्ब्रियो कैन बी प्रोटेक्टेड इन साइड द फीमेल, ठीक है, इन साइड द फीमेल होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर ये एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाते हैं, दोनों स्पर्म और ओवम वाटर में रिलीज हो जाता है, जहां पे रिस्क प्रिडेशन ज्यादा होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पीएच या टेम्परेचर का अफेक्ट भी ज्यादा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो जायगोट फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो जायगोट कहते हैं कई सारे स्टेजेस के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेंगे। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, हॉलो बॉल ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स अंडर गोइंग द माइटोसिस, दैट इज द अर्ली फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। उसके बाद वो इम्प्लांट होता है, कहां पे इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट सिंकिंग इनटू द एंडोमेट्रियम प्रोसेस, 7 day ब्लास्टोसिस्ट रीचेस टू द यूट्रस, गेट द कोक्स ब्रेकडाउन, गेट द कोट ब्रेकडाउन, ठीक है, जेल कोट जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, दैट व्हाट रीचेस यूट्रस के पास पहुंचता है उसका जेल कोट ब्रेक जो होता आता है, ब्लास्टोसिस्ट सिंक्स इनटू द एंडोमेट्रियम, इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम में सिंक कर जाएगा, एंड ब्लास्टोसिस्ट फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं पेनेट्रेट करता है यूट्रस लाइटनिंग के लिए ताकि ग्रोथ मिल सके, एंड ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ बोन टिश्यू से वो वहां पे इन्वॉल्व होने लगेगा 8th week में। तो इस तरीके से वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। अगर फीटस के बारे में बात करोगे तो यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर आप देखोगे तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यहां से वो आता है यूट्रस में जहां पे इम्प्लांट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में। नाउ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डिस्कस किया, फिर HCG का रोल क्या होता है, जो कि आपका आपने डिस्कस किया था अभी कल, हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को रोल के बारे में, दैट इज HCG अर्ली प्रेगनेंसी में इसका रोल होता है। इम्ब्रियो प्रोड्यूसेस द HCG एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो इम्ब्रियो होता है ये प्रोड्यूस करता है अर्ली स्टेज में ही। HCG स्टिमुलेट्स द कार्पस ल्यूटियम, ओवरी से जो सिक्रीट होता है इसको स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस में हेल्प करते हैं, ताकि यूट्रस की थिकनिंग को बढ़ाए, ये प्लेसेंटा आप देखेंगे कि क्या होता है, दैट इज व्हाट द, ये है फीटस ब्लड वेसल्स, ये फीटस के ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, एंड विलाई फॉर्मेशंस है, ये प्लेसेंटा का इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मूव करता है, दिस इज व्हाट द एम्बेलिकल कॉर्ड, ये एम्बेलिकल कॉर्ड जा रहा है, ये इंटरवेनस स्पेसेस में इस तरीके के फॉर्म्स आ रहे हैं, और ये मदर ब्लड वेसल्स है, मदर ब्लड वेसल्स जो कि यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है। इज इट क्लियर? नाउ प्लेसेंटा से क्या क्या आपका, प्लेसेंटा से क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है, द मटेरियल्स एक्सचेंज बाय द प्लेसेंटा, मटेरियल्स एक्सचेंज बाय द प्लेसेंटा क्या क्या हो सकता है, प्लेसेंटल वाइलस जो होते हैं इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ग्रेटर एक्सचेंज क्या क्या हो सकता है, ब्लड फ्लो, ब्लड एक्सचेंज होता है, अलाउज द ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द विलाई एंड इंटरविलस स्पेसेस, ब्लड का फ्लो वहां पे होता है, प्लेसेंटल बैरियर थिन एंड अलाउ फॉर द क्विकन डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, प्लेसेंटल बैरियर इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू द रेगुलेट डिफ्यूजन, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, थिन होते हैं, अम्बेलिकल आर्टरीज कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना जैसे कि आर्टरीज जो होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अम्बेलिकल, और अम्बेलिकल वेन्स ऑक्सीजनेटेड, जैसे पल्मोनरी का केस नहीं होता,
जैसे पल्मोनरी का केस होता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी केस होता है, जो अम्बेलिकल आर्टरीज होती है ना वो आर्टरीज जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। उसी पल्मोनरी के केस जैसा अम्बेलिकल आर्टरीज और वेन का भी केस होता है। नाउ आगे मूव करेंगे हॉर्मोन्स बाय द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ओवर रोल ऑफ द सिक्रेटिंग, टेक्स ओवर रोल ऑफ द सिक्रेटिंग आफ्टर 9 weeks एंड स्टिमुलेट्स द यूट्रस डेवलपमेंट, यूट्रस डेवलपमेंट में ये लेके जाता है। नाउ रोल ऑफ द हॉर्मोन्स इन द पार्चुरेशन, जो बर्थ होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या रोल होता है, दैट इज व्हाट द प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से कर रहा है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, वो क्या कर देगा, वो आपके इनहिबिट कर देगा ऑक्सीडेशन के प्रोडक्शन को, ऑक्सीडेशन के ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। सो इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन विच स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स इन द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देगा और प्रिवेंट्स द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है मसल्स, जो मायोमेट्रियम मसल्स होते हैं उसके कॉन्ट्रेक्शन में क्या करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन प्लेज अ रोल इन द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है ये, और जब मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है तो इसको इनहिबिट करने वाला जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसको इनहिबिट कर देता है ताकि ये कॉन्ट्रेक्शन जो है प्रिवेंट कर सके। देन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दैट स्टॉप सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को बंद कर देंगे जिससे कि ऑक्सीटोसिन जो होगा वो प्रोड्यूस होने लगेगा और मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स द मायोमेट्रियम एंड कॉजेज इट द प्रोड्यूस मोर ऑक्सीटोसिन एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉन्ट्रेक्शन दैट इज द बर्थ। यानी बर्थ के लिए प्रोजेस्टेरोन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है, प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट होना चाहिए ताकि ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो, ठीक है। याद रखना कि अगर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन को ज्यादा चाहिए, अगर बर्थ चाहिए तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा चाहिए, और मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीटोसिन ज्यादा चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। चलो ग्रेट। नाउ इसके बाद गेस्टेशन पीरियड्स होते हैं, फिर वो लेंथ होता है, वर्म फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं, एंड हॉर्मोन्स, कई सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो यूज होते हैं ड्यूरिंग द फीमेल। समरी के फॉर्म में आप देख सकते हो FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ये मेच्योर फॉलिकल बनाता है एक के लिए। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एम्ब्रियो से रिलीज होता है, ये कार्पस ल्यूटियम को जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है इसको स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट हो। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को, प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है, ये यूट्रस वॉल के डेवलपमेंट में करते हैं और मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन। एस्ट्रोजन जो होता है कार्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्रोजन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा दोनों सिक्रीट करते हैं, इट इज फॉर द सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलप करता है एस्ट्रोजन। एंड ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज करता है, ये आपके मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करता है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर रहा है, ये आपका स्टिमुलेट कर रहा है। माय नेम इज वीरेन सिंह, सो अनअकैडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विथ मी वीरेन सिंह ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग बैच 2, 5 एंड 7, इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेज एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सर्वेज बाई लैंग्वेज आपको मिलते हैं।
इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अन अकेडमी के साथ। 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रीफर कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए। नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यंग गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।